बिहार में मोकामा और गोपालगंज दो सीटों के उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है और सबसे खास बात यह कि चिराग पासवान को लेकर अब तस्वीर साफ होने लगी है। बीजेपी के उम्मीदवार के प्रचार करने के लिए मोकामा जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद चिराग पासवान मौजूद हैं। चिराग जी, अब तस्वीर धुंधली थी अब तक, चिराग किधर, अब बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ का कारण भी भाई बहुत स्पष्ट रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले भी किसी को इस बात में संदेह था, क्योंकि मैंने हमेशा से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों का मैं समर्थक कभी नहीं रहा हूँ। मैंने हमेशा उनकी नीतियों को ही जिम्मेदार माना है। बिहार में जिस तरीके से बिहार की बर्बादी हुई है, या आज़ादी के 75 साल के बाद आज जहाँ एक तरफ देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार आज भी अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता है। पलायन करके लोग दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए आज भी विवश हैं। कारण जिम्मेदार इसके सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं, तो इसलिए उनके साथ किसी गठबंधन में जाना या उनके या कोई ऐसा निर्णय लेना या कोई ऐसा कदम उठाना जिससे मजबूती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मिले, ये कदम मैंने कभी नहीं उठाया। मैंने 2020 का चुनाव भी अकेले लड़ने का फैसला इसीलिए किया, जिसको आज तक वो लोग कहते हैं चिराग मॉडल, बट चिराग मॉडल जन भावनाओं का प्रतीक है और उसी के आधार पर मैंने पिछला चुनाव भी लड़ा। इस चुनाव में भी हम लोगों ने फैसला लिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दोनों उपचुनाव मोकामा और गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी और मेरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी का जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से धराशायी होगा इस चुनाव। मोदी जी के हनुमान की घर वापसी में इतना समय क्यों लग गया? चाचा चले गए थे बीच में। भाई कोई घर वापसी वगैरह नहीं, देखिए राजनीति सिद्धांतों पर होती है, मुद्दों पर होती है और हम लोगों ने हमेशा गठबंधन मुद्दों के आधार पर किया है। हम लोगों ने हमेशा समर्थन अपने सिद्धांतों को मद्देनज़र रखते हुए अपने मुद्दों को नज़र रखते हुए हम लोगों ने किया है और आज वाला भी फैसला उसी को मद्देनज़र रखते हुए। इससे पहले लेकिन आपकी मदद नहीं की, अब बंगला खाली हुआ, बहुत सारे मुसीबतों का आपने सामना किया, अब बीजेपी को ज़रूरत लग रही है इसलिए चिराग के पास आए हैं बीजेपी? भाई बीजेपी को ज़रूरत या चिराग पासवान की ज़रूरत या बीजेपी ने उस वक्त साथ नहीं दिया, बीजेपी अब क्यों साथ दे रही है, राजनीति में ये बातें मायने नहीं रखती हैं। राजनीति में क्या मायने रखता है वो है प्रदेश का हित, वो है देश का हित। भाई आज की तारीख में मैं कोई अपने बंगले के लिए या मैं कोई अपने घर परिवार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ ना, मेरी लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर है, पूरे प्रदेश को लेकर है। क्या चाचा भी एनडीए का हिस्सा रहेंगे, चाचा भतीजा अब एक हो गए? देखिए एनडीए के हिस्से को लेकर अभी और कुछ बातचीत है जो होनी बाकी हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से परसों रात मेरी एक लंबी मुलाकात हुई, आने वाले दिनों में भी और बातचीत अभी होनी है। आज मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, मेरे जन्मदिन पर उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बधाई दी, पर गठबंधन को लेकर अभी कुछ और विषयों पर चर्चा होनी है। बट हाँ, इस चुनाव में समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये स्पष्ट है। चलिए बहुत शुक्रिया, जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। थैंक यू भाई। तो ये चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा है लेकिन चाचा अभी एनडीए का हिस्सा रहेंगे, साथ चाचा भतीजा होंगे, ये अभी साफ नहीं किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रंजन के साथ सुमित झा, न्यूज़ स्टेट बिहार, झारखंड।